नमस्कार, मैं हुआ खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति निशा। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम पूर्वांचल एक्सप्रेस में। तो शुरू करते हैं आज की कुछ खास खबरें। सोनभद्र जिले में 9वीं कक्षा की छात्र पल्लवी शर्मा को एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया गया। बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति फेज 5 के तहत संकेतिक रूप में बच्ची को जिलाधिकारी बनाया गया। आपको बता दें कि पल्लवी शर्मा ने तहसील द्विंदी में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायतकर्ता की समस्याओं को सुना और संबंधितों को निस्तारण के लिए निर्देशित किया। मौके पर जिलाधिकारी बीएन सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा, उप जिलाधिकारी द्विंद निखिल यादव सहित अधिकारी गण उपस्थित रहे। जौनपुर जिले के मछली शहर में महासमिति का 2 गुट बनने के चलते विवाद पैदा हो गया था, जिसको लेकर कोतवाली परिसर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सौरभ की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में भरत मिलाप के दौरान मेले के संचालन को लेकर चल रहे विवाद का फैसला हुआ। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सौरभ ने सभी लोगों की सहमति से राम लखन मौर्य और लव कुमार गुप्ता को नवरात्रि और भरत मिलाप के संचालन की जिम्मेदारी दी। आज महासमिति की बैठक हुई थी कोतवाल में, मछली शहर थाने में। तो वहाँ पर कमेटी के अध्यक्ष की अभी परेशानी चल रही थी, तो उसमें ये डिसीजन लिया गया है कि राम लखन मौर्य और लव कुमार गुप्ता जो हैं, इन दो को संचालक के तरह चुना गया है और सारी महिला समिति में जो भी होगा, कहाँ कार्य होगा, वो सब इन्हीं लोगों द्वारा संचालन किया जाएगा। विंध्याचल धाम में बुजुर्ग महिला की दुकान के सामने आए पुलिस सब कंट्रोल का कैंप लगाए जाने से भड़के सदर विधायक रत्नाकर मिश्रा दुकान के सामने कैंप लगाने के साथ ही महिला के बिना अनुमति की खींची बिजली की तार। पुलिस महिला के बिजली से हेलोजन लाइट, पंखा, लाउडस्पीकर, एम्पलीफायर का कर रही थी प्रयोग। दुकान बंद कराने और बिजली प्रयोग किए जाने से परेशान महिला ने विधायक से की शिकायत। विधायक मौके पर जाकर पुलिसवालों पर भड़कते नजर आए, फोन पर एसपी से बात कर हटाने को कहा। यही नहीं, आगे कहा कि कैंप नहीं हटेगा तो सभी एसपी से बात हुई है, पुलिस वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। मामला बिगड़ता देख सीओ सिटी मौके पर पहुंच के पुलिस के लगे कैंप को हटवाया। मार्सी कुमारी नाम है। बेटे खातिर धंधा करते जाग लिया के कैंप लगाए दिए ना, 4 दिन। कौन कैंप लगाया है? अब अधिकारी लोग लगाइया उसके लगाए। अच्छा, बिजली भी ले लिए थे क्या? हाँ, आपका मीटर में वैसे हम कहीं कहाँ से मीटर को भर। अच्छा, बिना अनुमति का? हाँ। अच्छा, तो किसने हटवाया फिर बाद में? अभी तुरंत विधायक जी। हाँ। अच्छा, बलिया के सिकंदरपुर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस पर अपनी फरियाद लेकर आई शिक्षिका को अन्य अधिकारियों के द्वारा रोक टोक करने पर शिक्षा भड़क गई और सामने बैठे अधिकारियों को खरी खोटी सुनाने लगी। शिक्षिका ने कहा कि आप कौन हैं? आप अपने अधिकारी क्षेत्र में रही, अगर फरियादी की समस्या नहीं सुनी तो संपूर्ण समाधान दिवस के आयोजन का क्या औचित्य है? आजमगढ़ जनपद में शनिवार को महाराजगंज रानी के सराय व सराय मीर क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्यवाही के 5 फर्जी अस्पतालों, पैथोलॉजी लैब व जांच केंद्रों को अवैध रूप से संचालित पाए जाने पर सील कर दिया गया। आजमगढ़ सीएमओ के निर्देश पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज के अंतर्गत भैरव जी के स्थान के उत्तर में स्थित देवपाली हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। इस अस्पताल को लेकर स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी। अस्पताल पहुंचे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक ने अस्पताल कर्मचारियों को संचाल झोलाछाप डॉक्टर कृष्णा मुरारी यादव के भी मौके पर ना मिलने पर भाई श्याम जन्म यादव को नोटिस रिसीव करवाते हुए हॉस्पिटल सील कर दिया। बलिया रजिस्ट्री कार्यालय से फर्जीवाड़े का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां जमीन की रजिस्ट्री कराने आई महिला ने जमीन का फर्जी मालिक बनकर आए बुजुर्ग को पकड़ लिया। दरअसल बलिया जनपद के मुराढ़ी गांव में एक जमीन दलाल द्वारा फर्जी तरीके से बेचने का प्रयास किया जा रहा था। ऐसे में पीड़ित पक्ष का कहना है कि दलाल को 1,20,000 रुपये दिए जा चुके हैं और इस ज़मीन की रजिस्ट्री होनी थी। रजिस्ट्री ऑफिस में दलाल के साथ जो व्यक्ति खुद की ज़मीन को मालिक बता रहा था, अब उसी पर संदेह होने पर महिलाओं ने जब पड़ताल की तो पता चला कि ज़मीन के मालिक का असली नाम सुंदर राय है, जबकि जो व्यक्ति सुंदर राय बनकर आया है वो मनोहर है। इसके बाद महिलाओं ने फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले दोनों लोगों को पकड़ लिया और उसके बाद कोतवाली लेकर आए। हालांकि इस दौरान मौके पर पाकर
दलाल कृष्ण यादव भागने में कामयाब रहा। महिलाओं द्वारा फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले इस गिरोह के खिलाफ तहरीर दे दी गई है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। अभी आई है रजिस्ट्रार ऑफिस में, क्या है मामला, क्यों आना पड़ा यहाँ तक? हम आयरन या जमीन लिखा ठीक बा, हमने के गांव के कृष्णा यादव हम ठीक बन वो पहले कि हमने के जमीन लिखवा देते नहीं जाए तो हमने के आई नहीं है जाए तो पहले ही 120,000 हमने के रुपया ले ले ठीक बन आ कहले हैं कि 4,500 रुपया रजिस्ट्री के लागे ठीक बात। हम के जब दे चुके रन है रजिस्ट्री के तो अगल बगल में जो लिखे वाला राम सुंदर बन के आई रहा जमीन के तो एगो जब के जौन भैया रहा है बोले हैं कि यहाँ कहाँ से तो हमारा शक हो गया रहे हैं राम सुंदर बन के आई रहा कि हम सोनभद्र में रही तो हमारा शक ऐसे हो गया है आ कि सोनभद्र में रहले हैं इजबा के आमदीन के कैसे चीन आई कहले रहे हैं कृष्णा कि लो सोनभद्र में रहे ला लो मुंगाडी के जमीन है। कृष्णा के कहाँ के रहे वाला हूँ? गाय घाट रुदलपुर के वह जमीन हम के लिए। कृष्णा के पिताजी का क्या नाम है? लक्ष्मण यादव। लक्ष्मण यादव नाम है। हाँ अब बतलाई। हाँ तब हमारा शक हो गया है हम रजिस्ट्री करे खातिर गोइनी है जब कि फिर हम लौट के वो आमदी के यहाँ गोइनी है कहने की भैया ये आमदी के तू चिन्ह ल तू कहल है कि हाँ हम तो चिन्ह ली दिन भर कचहरी में कोर्ट में ये कहीं के करे से काम दलाली के काम करे से तो हम वो जब से लौटे नहीं है कहीं हम ये जमीन ना ले काहे ना ले आ कि कहीं के ये दलाल तब आए के कुछ नहीं है बाबा तू मुरादी में केकरा घर के हब तो तार भाई पटीदार के नाम तो हुई हमारे बताब वो जब मुरादी के तो हमें लगिए बटे हमें बताई बताब तो वैसे ऐसे हुटके लगल है बस हमारे यहीं पर शक हो गई है तो हम बोलने लगनी है कि फर्जी है ये भाग चल तब हमारे पिंटू बड़े हमारे बेटा है धा के लेके खिसी है कृष्णा भाग कृष्णा भाग कृष्णा 1,15,000 रुपया हमारा से ले चुकल आर्य नगर वाना के थाना कौन सा है? आज आप यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस में क्या करने के लिए आए थे? हम आए संशोधन करे खातिर हम ये जो कहल ये मनोहर तक 2,000 रुपया में गौरी सिंह अधीन से तक 2,000 रुपया मिले वो जमीन बेचे वाला हो जाए तू छोड़ ना हमने दू आदमी जवाब बाबा ये गौरी सिंह और भीम सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? गौरी सिंह और भीम सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? ये बताइए आप जो जमीन बेचने आए थे उसकी जानकारी के लिए आपको कौन सी जमीन बेचने आए? जानकारी ये है लोग बताओ लो भाई से हमारा क्या जानकारी क्या कहने के लिए बताए चुका कि हमारे मूरा की घर हो आज पाल नाम बताओ है कि आपके हाथ पे लिखा है क्या नाम है पढ़ के बताइए सुंदर आधार कार्ड आप किसका लगाए थे? आधार कार्ड बनौल है कि 2 नंबर से जाए के बाद तारा कुछ हो ना हम कहीं 2 नंबर 1 नंबर का कहला तो तू ना जाना चलो औरत आई उसको एक कृष्णा यादव उसी के गांव के लेके आया उसका नाम था राम सुंदर राय पुत्र दीनानाथ राय वो अपना आधार दिया था उस आधार पे यही लिखा था खतौनी पे यही लिखा था हम दस्तावेज तैयार करने के बाद जब वो लोग आए तो कुछ संज्ञान में ये मामला आया कि ये फर्जी तरीके के लोग हैं और वो कौन देवी थी उमावती देवी ने पूछना प्रश्न किया कि तुम मुराडी में किसको जानते हो पहचानते हो नहीं बता पाया इससे साबित हो गया कि ये फर्जी है तब हम लोग उस औरत से कहे कि 112 नंबर डायल करो और पुलिस को बुलाओ ले जाके पया करा दो 10,29,000 रुपया इसका सरकारी मालियत 163.3 वर्ग मीटर जमीन थी और ये खरीदने वाले 1,20,000 रुपया में खरीदे। अयोध्या के भरतकुंड स्थित नंदीग्राम में प्राचीन भारत गुफा श्री भरत हनुमान मिलन नंदीग्राम महोत्सव आयोजन होने जा रहा है। ये महोत्सव 21 कुंडीय श्री राम महायज्ञ एवं राम कथा पर 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा जिसमें संत महंत बड़ी संख्या में शामिल होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नंदीग्राम महोत्सव के अध्यक्ष महंत परम पूज्य भगवत दास जी महाराज और सचिव डॉक्टर संजय कुमार ने इसकी जानकारी दी। नंदी ग्राम महोत्सव का कार्यक्रम है। हमारा लक्ष्य है प्रेम मूर्ति श्री भरत जी महाराज के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना है।
परिवार में कैसा प्रेम होना चाहिए, भाई के साथ भाई का कैसा प्रेम हो, पिता के साथ का कैसा प्रेम हो, ये आदर्श हमें जन जन तक पहुंचाना है। यही नंदीग्राम महोत्सव का लक्ष्य है। अभी देखिए तमाम सारे महापुरुषों को आमंत्रण दिया जा रहा है। जब तक स्वीकृति नहीं आएगी तब तक किसी का नाम हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमारी अपेक्षा है कि कार्यक्रम में हमारे काफ़ी महापुरुष पधारेंगे। राष्ट्र की अखंडता की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य होता है। जैसा कि भगवान श्री राम जी ने कहा है, जननी जन्मभूमि सा स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के होती है। गोंडा में रेलवे ट्रैक पर कार पहुंचने से हड़कंप मच गया, जिस वजह से ट्रेन रोकनी पड़ी। रेलवे ट्रैक के बीचों बीच कार पहुंचने से अफरा तफरी मच गई। बंद रेलवे क्रॉसिंग के बीच काफी देर तक रुकी रही। पूरा मामला लखनऊ गोंडा रेल मार्ग पर कटरा साहबपुर रेलवे क्रॉसिंग का है। अयोध्या शहर के कोहिनूर पैलेस के सभागार में दुर्गा पूजा की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और दुर्गा पूजा समन्वय समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी सिटी मधुबन सिंह ने कहा कि दुर्गा पूजा और रामलीला को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद रहेगी और साथ ही 120 स्थानों पर दुर्गा प्रतिमाओं को विस्थापित किया जाएगा। पूरे सिटी सर्कल में करीब 420 स्थानों पर पंडाल में दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होगी। उन्होंने कहा कि जनपद में सप्तमी, अष्टमी, नवमी पर दुर्गा पूजा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं और भंडारे का कार्यक्रम चलता है। इसके लिए आरएएफ, पीएस, सिविल पुलिस बल, ट्रैफिक पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से लगाई जाएगी। जितनी गलियां हैं उन पर बैरियर लगाकर बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन वाहनों का प्रवेश नहीं हो पाएगा, जिसका डायवर्जन रहेगा। अलग अलग स्थानों पर पुलिस बल मुस्तैद रहेगी। यहाँ पे इस कोहिनूर पैलेस के सभागार में दुर्गा पूजा और रामलीला समन्वय समिति की पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ ये बैठक थी। आप अवगत हैं कि नवरात्र, शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हो चुका है और अयोध्या धाम में विभिन्न स्थानों पर दुर्गा माता के पंडाल और मूर्तियां स्थापना की जाती है। इसके साथ ही साथ रामलीला लगभग 8 जगह शहर क्षेत्र में रामलीला का मंचन होता है और उसके बाद इन मूर्तियों को विसर्जन के लिए निर्मली कुंड पे लगाया जाता ले जाया जाता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में ये समन्वय मीटिंग थी। कार्यक्रम में क्या क्या व्यवस्थाएं हम लोगों को करनी है, सुरक्षा व्यवस्था, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और ये कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो, इसके लिए ये समन्वय बैठक थी। कुशीनगर में सड़क पर दौड़ती कार में अचानक आग लग गई। कार सवार 4 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। ग्रामीणों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम कुछ ही देर में पहुंची। देरी से पहुंचने की वजह से एक कार जलकर राख हो गई। पूरा मामला कसुया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। अयोध्या के मिल्कीपुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर भड़के। अखिलेश यादव को बताया माफियाओं का सरंगना। उन्होंने कहा नकल माफिया, भूमाफिया, धरती माफिया हो या अनेक प्रकार के माफिया हो, इस गैंग के सरदार हैं अखिलेश यादव। अयोध्या हो या प्रदेश के किसी 75 जिलों में कोई घटना होगी, अगर कोई अपराध करेगा तो अखिलेश यादव कान खोल कर सुन लो, आप उसको बचा नहीं पाओगे। उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्यवाही होगी। समाजवादी पार्टी के लोग, लेकिन जब आंख खुलेगी तो हकीकत कुछ और होगी। कमल खिलाओ। धन्यवाद। फिलहाल के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें महुआ खबर पर। धन्यवाद।